परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्विदम ज्यादेव्यो जिदमे व्याप्त के नदीशस्तवाभ्युप्यवेद हमी त्वां सुरसंग्रहि सन्धि केचिन्नि प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंभा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिधिशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन नमेरं महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तरे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यम् च परं च धाम त्वया कृतं येष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयमिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादये त्वा महमीशमीयं हेवपुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं ममेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ छठा अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अथ षष्ठोऽध्याय श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं संन्यासमिति प्राहु योगं तौ विद्धि पाण्डव न यसन्न्यास्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो चात्मैव त्रिपुरात्मन बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समदोषाश्मकाञ्चन सुहृन्मेत्रार्युदासीन मध्यस्थदेश्य बन्धुषु साधुष्वभि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण Hare Sharanam.
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 1992 प्रातः लगभग 5 बजे वाराणसी में हुआ। राम। शरण हुए तो गीता की सैया सनातन निकटन भोजन आदि सखे सखे सखी प्रदस्त तन मेरे सब बाप से तेरे भगवान से ही मन भगवान कृष्ण के साथ मैंने सैया सनातन विकसन भोजनादि से क्या जय सवाल उपलब्ध सख्यो सके वो किस्मत सर्वम से ही महान मणि के कुमसे अघम से ये कुमसे अघम से ही अर्जुन कहता है कि भगवान के साथ मैं रहा तो बैठना सोना खेलना स्वस्नान करना चलना फिरना सोना अर्जुन साथ में वरिष्ठ इस बात मैंने अपना मित्र कहा मित्र से ही बोला मैं और मेरी सब बात से ही जैसे पिता पुत्र के अपना तो सहता है ऐसे मेरे से ही महान महित्रया महान महान मेरे अपराध हुए कुमती के वो सबसे ऐसे भागवत में अर्जुन तो साथ में रहते थे और सैया सनातन विकुत्थन भोजन आदि सुख पांच बातें इन आदि में सोच में स्नान में खेलने में सब साथ में रहते एकदम बैठना उठना आसन पर तो इतना साथ रहते हुए भी भगवान ने गीता नहीं सुनाई और युद्ध का मौका है युद्ध में नहीं प्रवृत्ति से संपादित बीच में सुनवाया बाणों के चलने की तैयारी अब बस बाजे के बज ही गए अब से चलेंगे ऐसे सन्नाट ऐसे समय में गीता जैसा उपदेश दिया ये सैकड़ों टीकाएं हो गई और फिर उनके अर्थ निकलते ही चल जा रहे नए नए अर्थ कोई ग्रंथ ऐसा मैंने नहीं देखा है नहीं सुना है आप लोगों को सुना तो बता देना फिर वो कहना शुरू कर देंगे उन्होंने कोई ऐसा नहीं इतनी टीका है कितनी इतनी टीका है बहुत भाषा निकली होगी तो भी गीता की अर्थों का अंत नहीं आता फिर भी नए नए अर्थ शुरू होते हैं जैसे भगवान की बारी है शास्त्रों की ऋषियों की बारी है जैसे छह शास्त्र है न्याय है विशेषज्ञ है योग है सांख्य छह शास्त्र है आस्तिक दर्शन छह नास्तिक दर्शन भी है तो ऋषि मुनियों के पंडितों के ये साथ साथ भगवान की वाणी है सज्जनों बड़ी विलक्षण बात कई पुस्तकें हो गई कई शास्त्र लिख दिए क्यों न लिख दिए इसमें बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं परमात्मा को नहीं मानते वो नहीं मानते पर भगवत वाणी ऐसी एक विलक्षण है सब पर अपना असर करती है उन गीता में देखा गया शरणागति अर्जुन सर्व शादी मान भाव प्रपन्न
कर्षणार्थ है ना, अर्जुन निर्णय कर्ष नहीं कर सके तो भगवान से पूछा, अपना निर्णय तो युद्ध न करने का था और फिर सामने प्रकट कर दिया। कहते 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 फिर किसी कोई बात आ गई, युद्ध नहीं करना, युद्ध से साफ शब्द कह दिया। अर्जुन देखा मेरी बात भावी समझेंगे, समझे भगवान तो पहले युद्ध नहीं करूंगा, साफ करोगे। तो भगवान ने उपदेश तरह तरह से किया, श्रेय चाहता है, कल्याण चाहता है, इस वास्ते कल्याण की सुभयुक्तियां कही। एक बात याद आ गई तो कहने में संकोच भी होता है, मन भी आता है। श्री तिलक महाराज ने लिखा है कि मैं अपने पिता से बीमार, तो मेरे को कहा कि तुम गीता सुनाओ, तो मैंने उन्हें गीता के पाठ सुनाया। पाठ सुनाएगा फिर भी गीता की, फिर गीता की टीकाएं देखी, गीता देखा तो उसमें ज्ञान का है, भक्ति का है, वर्णन कर्म का। फिर विचार किया इतना उससे ही कहा कामों का, तो कर्मयोग शास्त्र लिखा है, इसमें कर्मयोग का ही वर्णन है, ज्ञान का भक्ति में कहीं आ गया तो आ गया है, कर्मयोग रहस्य लिखा। आप लोगों ने देखा ही होगा, उनकी भूमिका बताता हूँ। आज कोई 50-60 वर्ष ऊपर गए होंगे, उसे पढ़ी थी मैंने तो, वो 60 वर्ष पहले मेरी भी अवस्था छोटी थी। उस समय मैंने आया क्या करे तिलक महाराज नहीं है तो मैं जाकर मिलता हूँ उससे, बात करता केवल कर्मयोग कर्मयोग का है, इसमें है भक्ति योग ज्ञान योग का बहुत कौन है। उस समय मेरे मन में आई क्या करें, जैसे गोस्वामी जी महाराज से रामायण सुनने की मन मारती थी, पर सैकड़ों वर्ष हो गए उनके, इनकी काफी वर्ष हो गए मुझे बात कर गीता के विषय में बात कर। अब भी कोई गीता में रुचि रखने वाला, गीते पढ़ने वाला, उनसे मिलने का मन करता है। आप भी कोई अच्छे विद्वान हो गीता में रुचि रखने वाले, उनसे मिलाओ, मेरे मिलने की मन में रहती है, बातें करने की मन में रहती है, किसी भी दूसरी बात। तो उन्होंने कहा बस उसमें जितने भक्ति की बात है, ज्ञान की बात कैसे आ गई, इसमें तो कर्मयोग ही है, कर्मयोग उनका मैंने लगाया अर्जुन को, तो उन्होंने कर्मयोग रहस्य इतनी बड़ी कोशिश की। आपने पढ़ी होगा तिलक महाराज का कर्मयोग रहस्य, कर्म रहस्य, कर्मयोग रहस्य, तो कोई भी बात है। तो उसके उत्तर में मेरे पाठ करके मन में आया कि अर्जुन कर्म के विषय में पूछते ही नहीं है, अर्जुन तो पूछते हैं श्रेय के विषय। अब ये जो शंका है कि इतना कहने को कहाँ समय था, इतना कहाँ विषय था, वहां तो युद्ध की बात थी। अरे भाई निश्चितम श्रेय से अर्जुन पूछते हैं बार बार, पर ये जो निश्चित ये मैं श्रेय हूँ, मैं अपना कल्याण हो जाए, तो श्रेय के साधन सब दिए हैं गीता में, जितने मनुष्य कल्याण के साधन वो सोचते हैं वो सब जाना पड़ता है, उन्होंने कहना पड़ता है, क्यों से पूछा है। तो ऐसी बात नहीं, सिर्फ महाराज से बात करो, क्या इसलिए बात यहाँ पहले से मैं कई वर्षों पहले एक गीतानंद जी नाम संत थे, वो गीता का अभ्यास करते, गीता का मनन करते थे। आप लोग पच्चीस है कि पता नहीं, अब शरीर नहीं होना, गीता नंद नाम है, गीता का पाठ करते थे, गीता बड़ी विशेष। अब भी कोई गीता के जानने वाले, गीता में रुचि रखने वाले हो तो भी दर्शन तो करें मेरे। तो इस गीता, उस गीता में शरणागति की बात करी है, खास सबसे विशेष बात शरणागति है।
सबसे श्रेष्ठ तो ईश्वर भगवान है और साधक के लिए सबसे बढ़िया है शरणागत। अभी भी शरण हुए शादी मान पाओ प्रफन्न आपके शरणों में रुख शिक्षा दी है, सब शिक्षा दी है। अरे शिक्षा देते देते भी भगवान ने 18वें अध्याय में जो अर्जुन ने सांग योग और कर्म योग के विषय में तत्व जानना चाहे, 18वें अध्याय का खास संन्यास से महाबाहो तत्व मिथा भी तुम और त्याग से अलग अलग उसके विवेचन करने में भगवान ने कर्मयोग का वर्ण किया, फिर कर्मयोग का वर्ण किया, फिर सांख्ययोग का वर्ण किया, फिर कर्मयोग का वर्ण किया, फिर सांख्ययोग का वर्ण किया, फिर भक्ति योग का वर्ण किया। 56 श्लोक से 66-11 श्लोकों में भक्ति योग का वर्ण किया। बड़ा सुंदर है, आप देखो साधक संजीव ने देखो इतनी बिल्कुल बातें कही है भक्ति की शरणागति बहुत विचित्र। तो गीता का क्या सार है, तो गीता का सार है शरणागति। मां मेरे को शरण देगा अंत हुआ सर्व पापी भी मोक्ष इच्छा हुआ सब पाप से मुक्त हुआ। तो सज्जनो सरल से सरल साधन है और ऊंचे से ऊंचा साधन है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन है। इसमें मैं विचार करता हूँ, देखता हूँ, पुस्तकों को पढ़ता हूँ तो मालूम होता है कि शरणागति जैसा कोई साधन नहीं है। परमात्मा तत्व के शरण हो जाओ भगवान के। शरणागति में बड़ी सुगम बात है, शरणागति में एक बात कठिन है जिसके मन में वर्ण का आश्रम का विद्या का बुद्धि का अभिमान होता है वो शरण नहीं हो सकता। ये शरण बाधा है, अभिमान नहीं हो तो बहुत ही सरल है। जैसे कोई नींद लेना चाहे तो उसको परिश्रम करना नहीं पड़ता, सो जाओ नींद आ जाएगी, ऐसे शरणागति है। अभिमान छोड़ दो कि शरण में पड़ जाओ शरण हो जाएगा, इतनी सरल है, इतनी सुगम है। हे नाथ मैं आपका हूँ और उसके भीतर जितनी बातें सब हो जाएगी। काग उसी की कथा आती है उत्तरकांड में, तो भगवान ने स्वयं उपनिषद कहा तुम ज्ञान के योग के सब शास्त्रों के मर्मज्ञ हो जाओगे। भगवान ने बता दिया बात का कुछ नहीं हो, जो शरण हो जाता है भगवान की। भगवान का साथ खेलते हैं छोटे बच्चे खेलते जो सुन पर मैं उठा देखा हूँ भोजन करते दिन जाते है तो यहाँ चावल पड़ जाती है रोटी पड़ जाती है बच्चे तो चाहिए भोजन करता था हमेशा। एक बार मेरे बाल इष्ट बाल भगवान मेरे इष्ट है उसके साथ खेल, तो एक दिन मेरे को पकड़ने के लिए हम गए, पकड़ लेते मैं उड़ गया तो प्रहलाद पीछे हाथ रह दो सप्तावन भेद कर जहाँ रहे गति मोर सप्तावन ये करके जहाँ तक मेरे गति मात्र में फैला, परंतु भगवान का हाथ पीछे तो पीछे पकड़ने वाले थक गया आंखें में से आ गया अयोध्या में मान गई और भगवान विश्वास में श्वास लिया श्वास में विसर्जा गया। उधर देखे ब्रह्मांड में काया कई ब्रह्मांड देखे वो और एक एक ब्रह्म 100 वर्ष रहा मैं उन ब्रह्मांडों में रहा, वो मेरी ही बड़ा स्वाद देखा बड़ा उभय गरीब 2 वर्ष ये सब कई ब्रह्मांड में रहे कल्पों तक रहे ऐसे बाहर आ गया 2 घड़ी।
चीज हो गई तो भगवान की कितनी विलक्षण महिमा है, कितनी विचित्र महिमा है। परमात्मा तत्व की बहुत विलक्षण महिमा है। ये सबके भेद, सबके सब भेद तुम जान लो, योग ज्ञान के वेद भक्ति के सब भेद जान लो, कैसे भगवान ने प्रदान दिया। तो मतलब कहना कि जो सर्वोपरि परमात्मा है, लोगों में प्रसिद्धि है कि सर्वोपरि जो ब्रह्म परमात्मा निर्गुण है, और उसमें माया में अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा है, माया में पड़ा वो ईश्वर है, अविद्या में पड़ा वो जीव है, और ब्रह्म है सब है। पर फिर शास्त्रों के देखने से, गीता के देखने से सर्वोपरि ईश्वर परमात्मा, ब्रह्म तो एक अंग है भगवान का। सातवां अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है, जरा मर मोक्षाय मामा सत्यतंती, जरा मर से मुक्ति पाने के लिए माम आश्रित, मेरा आश्रित ही जतन करते है, ते ब्रह्म तक ही ब्रह्म को जान जाएंगे, कर्म जान जाएंगे, अध्यात्म जान जाएंगे, ब्रह्म को ज्ञान हो जाएगा उनको, मेरा आश्रय नहीं। और चार जी का उपाय बताया था 14वें अध्याय में, भक्ति बताई ब्रह्म भूया गर्भ से, ब्रह्म भूया ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाएगा, मानस अभ्य उपाय बताया है, व्यभिचारी भक्ति हो मान सूर्य अब देवी भक्ति होगी, तीनों को अतिक्रमण करके ब्रह्म पात्री का प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र कैसे हो जाएगा, ब्रह्मणों की प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्म की प्रतिष्ठा नहीं हूँ, मेरे तो आभास ब्रह्म है, लोगों में ब्रह्म ऊंचा है सबसे, गीता और शास्त्रों को देखने से सबसे ऊंची ईश्वर परमात्मा है, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हूँ, अमृत से अव्यय से शाश्वत से धर्म से सुख से एकांत के से कोई शास्त्र उदाहरण नहीं मिलेंगे, शास्त्र का उदाहरण तो खूब मिलेगा, सब में मिलेगा। हमारे शास्त्र ऐसे विलक्षण है, कोई विषय ले लो उसमें भी प्रमाण मिल जाएगा, बहुत विलक्षण शास्त्र। अब बताओ क्या प्रमाण दे रहे, तो ये पंचदशी में आया है, आज ब्रह्म था मैं बताओ, जैसे उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, ये जो खास वेदांत खास बहुत लक्ष्य जाता ही नहीं है, उधर ख्याल जाता ही नहीं है, बड़ी गहरी बात है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में फिर ये जन्माद्यस्य यतः, ये लक्ष्मण लिखा है, जन्म स्थिति प्रलय जिससे होते हैं वो है परमात्मा, सबसे पहले ये आया। अब इसके स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण ऐसे विशेषण करके अलग अलग कह देते हैं, परंतु मूल में कह दिया था पता नहीं लगता, तो सर्वोपरि परमात्मा है, शरणागति है, सर्वोपरि साधन शरणागति है, उसकी इच्छा से संकल्प तो एक परमात्मा ही, एक परमात्मा एको हो बहुत संबोध हो, ब्रह्म संकल्प होता है क्या, उनसे पूछा जाए ब्रह्म वर्ण करने वाले, ब्रह्म संकल्प होता है एको हो, ब्रह्म संकल्प करने की शक्ति है क्या,
उनके इष्ट को ही पूछा था तो भजन करते जीवों के अदृष्ट से दूर में असर हो जाएगी तो फिर तो कहीं मामूली हुआ। ये ईश्वर होते हैं क्योंकि सब ईश्वर में जीव लय होते से महाप्रलय में सब माया में माया परमात्मा में ही नहीं रहे। ये भगवान के प्रतिष्ठित स्वामी विश्व स्वामी पुनः पुनः भूतग्रामी ओम कृष्ण और प्रकृति प्रसाद ये मैं रचना करता हूँ फिर लय होते फिर रचना करता हूँ ये भगवान साथ बताया साहब तो वे सब कर्म सिर्फ भगवान है भगवान की प्रकृति प्रकृति भगवान में उसमें होते हुए वे जीव जब रहते हैं उनमें कर्म है वे परिपक्व होकर के फलते नहीं उन लोग होते हैं तब भगवान ने प्रणव जीव तो जहाँ जीव वहीं फल होगी तो ईश्वर अद्वैत सिद्धांत की पुस्तक है उनमें किसी ने भी ब्रह्म संग्रह विकल्प का सकल तो सविकल्प जीव ये ब्रह्म संग्रह विकल्प निर्विकल्प कोई विकल्प कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव है ये सब ईश्वर में होता है सभी कोई प्रकृति नहीं होता है परंतु ये सबसे पहले ब्रह्म को बताते हैं आज ग्रंथों को देखने से और गीता खुद देखो तो वो ईश्वर है। किसने कहा था कि भगवान योगेश्वर से ईश्वर नहीं पड़े योगी से योगी थे तो साथ बोलते होंगे ना जो तो यम नियम आसन प्राणायाम पर अष्टांग योग है जिसमें यम नियम भगवान आता है तो उसमें सत्य अस्ते अपरिग्रह यमा है तो यम नियम तो पहले होना चाहिए सबसे पहले यम है आठ अंगों में तो सत्य बोलने वाला चाहिए तो भगवान कहते हैं अजो कृष्ण अभ्य आत्मा भूषण ईश्वर कृष्ण मैं ईश्वर होता हुआ तो भगवान सत्य बोलते है योगी है तो सत्य बोलते है सत्य बोलते कहते मैं ईश्वर हूँ तो बोलते नहीं तो ईश्वर तो सिद्ध हो गया योगी सिद्ध करोगे तो ईश्वर सिद्ध हो जाएगा उसका सर्वेशन ने भी इसको मत बोलते वेद सर्वे अहम एव वेद्या और वेद विदेश हम योगेश्वर ईश्वर है एक तो योगी होता है एक योग होता है तो योगेश्वर तो वो है जो योगियों का ईश्वर हो और गीता माया है महायोगेश्वर वाली योगों के ईश्वर वो महायोगेश्वर सब योगों के मालिक जितना कर्म योग ज्ञान हो भक्ति योग लय योग हरि योग राजयोग मंत्र योग संत योग कई योग और योगों के माने योगियों के नहीं योगों के महायोगेश्वर जैसे आमास पड़ा था परम रूप में ईश्वर परम महेश्वर जैसे आमास ऐसे परमात्मा स्वरूप उनका शारीर भगवान के शरण होगा अरे वो शरण होगा ये समझो जरा मरण मोक्ष माम आश्रित ये समझे भगवान के शरण होगा आश्रित के समझ ब्रह्म तो ब्रह्म जाने का जन्म जाने कर्म जाने सब